गांधी गरीबों को 12,000 रुपए मंथली देने की बात की है, अगर उनकी सरकार बनती है, आपका क्या कहना है? भाई मेरा ये कहना है 12,000 रुपए देगा महीने का, कहाँ से देगा वो? अच्छा, अरे देगा तो हम तो लेने तैयार है। हाँ भाई तो पूछ ले, भाई देगा तो बिल्कुल लेंगे हम 12,000 रुपए, पर देगा कहाँ से? आपका कहना भैया? भैया देश को गिरा के 12,000 रुपए नहीं लेने मेरे को। क्या भैया? देश को गिरा के 12,000 रुपए नहीं लेने मोदी को चाहिए। आगे से बजट कहाँ से आएगा? इतना बजट कहाँ से आएगा भाई? वो तो राहुल गांधी बताओगा कहाँ से लिया होगा, काला धन जोड़ रहा है क्या, के जोड़ रहा है क्या उसने, वो ही बताओगा। अच्छा, वही बताएंगे। आपका क्या नाम है भाई? उन्होंने इतनी जमीन रखी, हो सकता है अपने घर से दे 12,000 रुपए। अच्छा, अपने घर से देंगे और क्या? आप करप्शन बढ़वा के देगा, करप्शन बढ़वा के देगा और पैसे का लालच देकर वोट मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? ये तो भाई हर जगह होता है, छोटे से वोट लगा लियो, सरपंची में भी यही होता है, निगम पार्षद में भी, सब जगह यही होता है। अच्छा। पैसों से वोट मिलते हैं, आपका क्या कहना? इंसान को बिकना नहीं चाहिए, इंसान देखो कौन अच्छा है। अच्छा। अगर मोदी अच्छा है तो मोदी को दो, और कोई अच्छा तो उसको दो। आपका क्या कहना? ब्याह लालच तो मोदी ने भी दिया था 15 लाख रुपया का, लालच सारे दिन। मोदी में क्या अच्छा लगता है आपको, उनको क्यों वोट देना? देश का प्रधानमंत्री है भाई, अच्छा आता है लगाएगा है। भाई पहला लीडर लगा मुझे इंडिया में जो लीडरशिप कर सकता है वो। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री के बेकार है, मोदी एक नंबर का आदमी है, मोदी एक नंबर का आदमी। आपका क्या कहना भैया? भैया अगर हिंदुस्तान चाहिए तो मोदी चाहिए, तो मोदी चाहिए भाई, हमने भी चाहिए मोदी। इस बार आपको क्या लगता है पूर्ण बहुमत मिलेगी मोदी को? लाओगा, बिल्कुल आएगा, मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, वैसे नहीं पड़ेंगे, ना कोई सांसद ने पूछ सका, ना कोई किसी को पूछ सका, मोदी के नाम पर वोट है बस। हमारे लगती है लक्ष्मी लोटे, हम लगते हैं पोलिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर हम, जो वोट डालना था उसको भी कहते हैं भाई वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी, मोदी। आपका क्या कहना भैया? मोदी आए, मोदी आएंगे, चलो बहुत बढ़िया। कहते हैं 15 लाख रुपए आने चाहिए, कांग्रेस वाले तो कम से कम, कांग्रेस वालों से लिए तो लेने पहले तभी तो आएंगे 15 लाख रुपए, कांग्रेस वाले से ले लेंगे तभी आएंगे। और भैया कांग्रेस पे जो इतना जितना सारा पैसा जो कांग्रेस ने लूट रखा है, 15 लाख जो सब लोगों ने लूट रखा है, पहले उन लोगों से जब्त करेंगे तभी तो हम गरीब लोगों को बांटेंगे, वो लोग पूरे हिंदुस्तान को बांटेंगे। जब तक 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट्स में नहीं आएंगे तब तक हम मोदी जी को नहीं जाने देंगे, ठीक है? हाँ, जब आ जाएंगे उसके बाद में फिर योगी जी को लेके आएंगे, ठीक है ना? मोदी जी को तो जाने नहीं देंगे, योगी जी को लाएंगे। पप्पू तो कभी आएगा नहीं, ठीक है? जनता को पप्पू का असली नाम है राहुल विंची, ठीक है? इसने जो कैम्ब्रिज में जो पढ़ाई कर रहा था उस समय इसका वहाँ पे दिखाया गया था राहुल विंची नाम। राहुल गांधी गरीबों में 12,000 रुपए मंथली देने की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो आपको क्या कहना है इस बारे में? अगर उसकी सरकार बनेगी नहीं तो वो कहेगा जो मर्जी मुंह मार कहे, सरकारी नहीं बन रही है, सरकारी नहीं बन रही है, सरकारी नहीं बन रही है उनकी। अच्छा, इतना बजट लाएंगे कहाँ से अगर उनकी सरकार बन गई तो? वो सरकार बनी नहीं रही है, हम इस पे बहस क्यों करें, नहीं बन रही है सरकार उसकी। उनकी सरकार बनी रही है, बनी नहीं रही है उसकी। पैसे का लालच देकर वोट मांगना क्या ये सही है? आजकल वोटर जो है बड़ा जागरूक है, पैसा ले भी लेगा तो ही वोट, जहाँ पे माइंड सेटअप है ना उनका, वोट वहीं दे जाएगा, वोट वहीं देंगे। मोदी में क्या अच्छा लगता है, उन्हें वोट क्यों देना चाहिए? मोदी जी अच्छा लगे या ना लगे, देश की डिमांड जो है मोदी के लिए है, ऐसा दबंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए ही चाहिए, ऐसा दबंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों के बल आया है। अच्छा, पाकिस्तान घुटनों के बल आया है, बिल्कुल आया है। इस बार आपको क्या लगता है मोदी को पूरा बहुमत मिलेगा? पूरा 300 से ऊपर सीट है बीजेपी की जाएंगी, 300 से ऊपर सीट बीजेपी की जाएंगी, जाएंगी। अंकल कह रहे थे 400 से ऊपर जाएंगी, और मजाक कर रहे थे मजाक कर रहे थे कल। अरे पप्पू सरकार मुर्दाबाद, पप्पू को बचाओ, पप्पू को बचाओ, सरकार मुर्दाबाद, 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 इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा एक बात बताओ, योगी सरकार यूपी में जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। बोलो ले साहू, रुके ताऊ, नहीं तो बोल लो ना। अरे दो मिनट ताऊ जी के बात करेगा वो, ताऊ यहाँ जा, क्या किस यहाँ कर रहे हो? अरे इतने माता में जो रो हम पाकिस्तान में जाके जब तुम्हारा मरे तुम जो भी और बार लोग ऐसे चिन चिन तो है सांसद कैसे ले रखे, सांसद कैसे ले रखे, पाकिस्तान से कैसे ले रखे, हमारे बस
पाकिस्तान की गुलामी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की गुलामी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की गुलामी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की गुलामी नहीं चलेगी। चीचा साला का बच्चा लो, ताकत पांच साल जेल में कर दूंगे। राहुल गांधी गरीबों में 12,000 रुपए मंथली देने की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती तो आपका क्या कहना है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज कई चीजें देखी जाती हैं समय। एग्जैक्टली अभी आपने देखा होगा कि एमपी में जो उन्होंने किसान के लिए वादा किया था ना, वो भी पूरा कर नहीं पाए हैं वो। और जो उन्होंने पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है किसानों के लिए, वो भी फर्जी किया हुआ है, क्योंकि जो किसानों के लिए पैसा उन्होंने दिया हुआ है वो फर्जी नाम से उन्होंने पैसा वहाँ लगाया हो गया है। तो इसको देखते हुए मेरा कहना है कि शायद ये भी चीज़ सक्सेसफुल इनकी नहीं हो पाएगी, ये भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आपका कहना है? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक ये महिलाओं के लिए बोले हुए हैं कि 6,000 रुपये प्रति महिला को देंगे, उसमें एक दिन राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके पार्टी के और लोग बोलते हैं कि हम उन्हीं महिलाओं को देंगे जिनका, जैसे जो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है या दुनिया भर का उसमें कानून, ये पहले तो बोल देते हैं, बाद में उसमें स्टार लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं होती हैं। 21 लाख करोड़ का इंडिया का कुल बजट है, ठीक है, और ये गरीबों में हर साल 26 लाख करोड़ देने की बात कर रहे हैं, तो 26 लाख करोड़ लाएंगे कहाँ से? सर वही तो कुछ नहीं, लाएंगे कहाँ से? इनके पास सारा पैसा है, ब्लैक मनी, ये अपनी ब्लैक मनी लग रहा है बांटने वाले। अच्छा, अपनी ब्लैक मनी बांटने वाले। सोनिया गांधी वर्ल्ड की चौथी सबसे रईस पॉलिटिशियन महिला है। अच्छा। ये अगर आपको नहीं पता है तो पता रहना चाहिए, वर्ल्ड की सबसे रईस चौथी। अच्छा। ओबामा से ज्यादा पैसा है सोनिया गांधी, ओबामा से ज्यादा पैसा है। इसके खुद के जो इनकम है राहुल गांधी की प्रेजेंटली, आई थिंक इसका कितना है, मतलब लास्ट ईयर 2014 में जब राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था तब इनकी जो वो पेपर सबमिट करते हैं उसमें इनकी ओवरऑल इनकम एसेट्स थी 52 लाख की, आज की प्रेजेंट डेट में 9 करोड़ की है। नहीं 18 करोड़ की, राहुल गांधी की ना। हाँ। 18 करोड़ हो चुकी है इनका, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, एक आईटीओ में इनका था। कहाँ से इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ 5 साल में भगवान ही जानता है। पैसे का लालच देकर वोट मांग रहे हैं, क्या ये सही है? यार देखो, लोग बेवकूफ़ नहीं है, और हम लोग यंग जनरेशन वाले ना, वी नीड रियली जॉब, ठीक है, हम लोग को जॉब चाहिए, हम लोग को कुछ अलग सा चाहिए जो कि मोदी जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली वी आर बेसिकली बोथ फ्रॉम वाराणसी, तो वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुई है वो हमको दिखता है। बेसिकली हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो कहना ये है कि यार मोदी जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली के बाहर हो, या मेरे छोटे से शहर वाराणस में, मुझे नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। हाँ जी, नज़र आ रहा है। आपका क्या कहना है? एकदम वहाँ की रोड, वहाँ की लाइट्स, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोवाइड किया गया है। अगर आप अच्छी नज़र से देखेंगे तो ही दिखेगा आप, तो मतलब बना है। मोदी में क्या अच्छा लगता है, उनको क्यों वोट देना चाहिए? सब कुछ अच्छा लगता है, उनकी बात करने का स्टाइल, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर बात को उनको कहने का एक नज़रिया है, मतलब उनकी बात सुनने का मन करता है। अगर सामने खड़े हो जाए ना, वो कुछ भी ना बोले ना, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यार आदमी सुनना चाहेगा उनको। एवरीथिंग इज ओके यार, मज़ा आता है सुनने में। लेने की क्षमता उनकी जो है ना, वो हमको नहीं लगता इंडिया में और किसी लीडर के अंदर है। इस बार आपको क्या लगता है, पूर्ण बहुमत मिलेगी? पूरा हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, 400+ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी गरीबों को 12,000 रुपये मंथली देने की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती है, आपको क्या कहना है? गरीबों का लालच दे रहे हैं, लुभा रहे हैं कि वोट लेने के लिए, देना कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं देना, कुछ नहीं। अच्छा, गरीबों को लुभा रहे हो कि वोट मिल जाए। अच्छा, 6,000 रुपया मिलेगा महीने में एक गरीबों का, तो कोई नौकरी करने दिल्ली में नहीं आएगा। हाँ। घर बैठे बैठे 6,000 रुपया मिलेगा, हम भी चले जाएंगे गांव बिहार, हमको भी बैठे बैठे मिलेगा। हाँ। इतना बजट 70 साल में तो दिया नहीं। अच्छा, अब इलेक्शन के टाइम पर शायद दे दे। इतना बजट लाएंगे कहाँ से? वो तो वही बताएंगे, उनके पास बजट होगा, वो जो जितना जयपुर में गुड़गांव में संपत्ति खरीद कर रखे सब बिक्री करेंगे। अच्छा, सब पैसे का लालच देकर वोट मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? बस पैसे के लालच देकर वोट मांग रहे हैं, देना कुछ नहीं उसने, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। मोदी में क्या अच्छा लगता है, उनको क्यों वोट देना चाहिए? मोदी जो कहते हैं उस पर खरे उतरे हैं,
घर घर में सिलेंडर दिए, घर घर में बिजली लगवाए, जहाँ गांव में बिजली नहीं थी, रोड बनवाए, सड़कें बनवाए, जनधन खाते खुलवाए, करोड़ों सब कुछ किया इन्होंने। जो 5 साल में अब क्या ले लेंगे इनसे। इस बार आपको क्या लगता है, मोदी को पूरा बहुमत मिलेगा? प्योर मिलेगा, पूरा बहुमत मिलेगा इनको। चार सबसे सीट ऊपर तक लाएगी, ऊपर से मिलेगी सीट। अच्छा, धन्यवाद अंकल।